हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसे मेजर करते हुए ये डिवाइडर यूज करना रूलर से ज़्यादा बेटर या फिर ज़्यादा बेहतर क्यों है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें मैं कुछ भी पॉइंट्स बनाकर नाम लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी। अब यहाँ पर रूलर यानी कि स्केल हम लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्केल ली और इसको यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए ज़ीरो पे। स्केल पे जो ज़ीरो वाला पॉइंट होता है उस पर ये वाला पॉइंट आना चाहिए और उसके बाद हम इसे नापेंगे कहीं। अगर ये किसी नंबर के आगे बीच में मिलीमीटर्स में आया तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्केल में बहुत छोटे छोटे जो है स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पर स्केल थोड़ा हिल भी सकता है, थोड़ा ज़ीरो से वो हट भी सकता है, या फिर जो मिलीमीटर्स हैं उनमें भी थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए डिवाइडर यूज़ करना बेहतर है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। डिवाइडर हमें पता है क्या होता है, जिसकी दोनों तरफ निडल्स होती हैं, तो उसको बस हमें ओपन करना है और यहाँ पर एक निडल को यहाँ पर रखना है और ओपन करते जाना है जब तक उसकी दूसरी निडल यहाँ तक ना पहुँच जाए। बस हमें इतना काम करना है। ये करने के बाद उसके बाद हमें उसको सेम एज इट इज़ उठाना है और एक रूलर लेनी है, उसको एक उंगली से ऐसे पकड़ना है एक फिंगर की हेल्प से, और जो एक निडल है उसको जीरो पे रखना है और दूसरी निडल जहां तक भी जा रही है उसे जाने देना है। निडल जो है शार्प होती है तो वो जिस भी मिलीमीटर या फिर नंबर पर आके रुकेगी हमें वो एकदम एग्जैक्टली जो है वही दिख जाएगा। इसलिए डिवाइडर यूज करना रूलर से ज्यादा बेहतर होता है और यही इसका आंसर है कि आंसर जो है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ आता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।